हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर साइंस बुक ऑफ 8th क्लास इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग द थर्ड लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग इस बुक का थर्ड लेसन स्टडी कर रहे हैं, विच नेम इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, यानी संश्लेषित रेशे या मैन मेड या मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे और प्लास्टिक। एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमारी जो स्टडी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लास्टिक्स। एंड इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस बॉक्स। इस बॉक्स के बॉक्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। एंड वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक अपने पर्यावरण के लिए किस तरह से हार्मफुल है, नुकसानदेह है, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और हम साथ ही ये भी स्टडी कर चुके हैं कि विच थिंग्स आर नॉन एज बायोडिग्रेडेबल एंड विच थिंग्स आर नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल कहलाती है, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाती है एनवायरनमेंट में, और वो चीजें जो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है, अपघटित नहीं होती है, खत्म नहीं होती है धीरे धीरे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं। एंड टूडे वी हैव टू स्टडी द लास्ट कॉलम ऑफ द लेसन। इस लेसन का जो लास्ट कॉलम ये बचा है, ये आज हमें कंप्लीट करना है। एंड देन वी विल स्टडी द व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट्स, और उसके बाद व्हाट यू हैव लर्न वाले पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज स्टडी ऑफ द लास्ट कॉलम। तो आइए शुरू करते हैं अपने लास्ट कॉलम की स्टडी। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का यूज को अवॉइड करें। अवॉइड करें यानी बचें उससे, किसी चीज को अवॉइड करना यानी उससे बचना। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करें, उससे बचें, एज फार एज पॉसिबल यानी जितना हो सके उतना, जितना पॉसिबल हो सके उतना प्लास्टिक के यूज से बचें। जैसे आप अगर मार्केट में वेजिटेबल बाई करने जाते हैं तो अपने साथ क्लॉथ बैग को लेकर जाना चाहिए, और इससे हम लोग प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से बच सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोगों को प्लास्टिक से बचने की कोशिश करनी चाहिए, उसको अवॉइड करने की के लिए ट्राई करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स। मेक यूज यानी यूज करें ऑफ बैग्स, यानी उन बैग्स का, बैग्स को हम हिंदी में थैला भी बोल देते हैं, उन थैलों का यूज करें। मेक यूज यानी यूज करवाएं या यूज करवाएं। मेक यूज ऑफ बैग्स, बैग्स का यूज करवाएं, मेड ऑफ कॉटन, जो कॉटन से बने हो यानी सूती कपड़े से बने हो, और जूट या फिर जूट से बने हो। आजकल जूट के बैग्स भी आते हैं मार्केट में, ये भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और कॉटन तो बायोडिग्रेडेबल होता ही है। तो या इनके यूज को इनका यूज करवाएं। मेक यूज ऑफ बैग्स, उन बैग्स का यूज करवाएं, मेक मेड ऑफ कॉटन और जूट, जो कॉटन या जूट से बने हों। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, यानी जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अगर आपने कुछ बाई किया है, खरीदा है, तो जो शॉपकीपर है वो आपको प्लास्टिक की बैग में, आपको हो सकता है कि वो आपका जो मटेरियल है वो पैक करके दे, तो आपको ये उसको प्रिफर करना चाहिए, आपको प्रिफर करना चाहिए कि आपको कॉटन का या जूट का अगर बैग वो दे सके तो बेटर रहेगा। और कई सिचुएशंस में आप अपने घर से भी क्लॉथ बैग लेकर जा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स खरीदने के लिए जब आप जाते हैं, तो आप कॉटन या जूट से बने हुए बैग्स को, उसका यूज को प्रिफर करें, उसको प्राथमिकता दें।
द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं, समय के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं अपने आप, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो इजीली डीकम्पोज नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो जो कचरा होता है दोनों टाइप का, शुड बी कलेक्टेड, इसको कलेक्ट किया जाना चाहिए, इकट्ठा किया जाना चाहिए सेपरेटली यानी अलग अलग। आपने देखा होगा आजकल जो कचरा टेम्पो आते हैं उसमें भी दो उसके पार्ट बने हुए आते हैं पीछे, एक तरफ गीला कचरा एक तरफ सूखा कचरा। हालांकि वो अलग टाइप के पार्ट हैं, लेकिन इस तरह से भी पार्टीशन होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, उसको सेपरेट कलेक्ट किया जाए, अलग से कलेक्ट किया जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाना चाहिए एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, और उनको सेपरेटली यानी अलग अलग डिस्पोज्ड ऑफ करना चाहिए, यानी निस्तारण करना चाहिए, उनको अलग अलग फेंकना चाहिए या अलग अलग उनका यूज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, इसका अभ्यास करें इन योर होम्स, यानी आपके घरों में, आपके घरों में भी आपको ऐसा करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग से आप उसको कलेक्ट करें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप अलग से कलेक्ट करें। तो ये प्रैक्टिस ये आपको अपने घरों में भी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये भी हमने स्टडी की कि हम लोग कॉटन और जूट से बने हुए बैग को प्रीफर करें, बायोडिग्रेडेबल और बायो नॉन डिग्रेडेबल जो मटेरियल है उनको सेपरेटली कलेक्ट करें, इसको हम घर में भी प्रैक्टिस करें। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आप सुझाव दे सकते हैं सम अदर वेज, कुछ दूसरे तरीकों का, इन विच जिनमें कि यू कैन कंट्रीब्यूट, आप योगदान दे सकते हैं टुवार्ड्स यानी की ओर रिड्यूसिंग यानी कम करना, घटाने की ओर, टुवार्ड्स रिड्यूसिंग यानी रिड्यूस करने की ओर। क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिनसे कि हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक के मटेरियल का यूज। तो हम लोग कई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक मटेरियल के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया, देखिए सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक यूज में आ रहा है, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स आपको इधर उधर उड़ती हुई दिखती है, जो सबसे ज्यादा वेस्ट जिसका होता है वो है प्लास्टिक की बैग्स यानी पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक की थैली जिसको हम कहते हैं। और उससे बचने का उपाय क्या है, और अधिकतर प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग आती है घर में वो सब्जी के साथ आती है या फ्रूट के साथ आती है, तो जब भी हम मार्केट जाएं वेजिटेबल या फ्रूट बाय करने के लिए तो हम अपने साथ क्लॉथ बैग को जरूर रखें ताकि हम उस प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग से बच सकें, उसको अवॉइड कर सकें। इसी तरह अगर किसी शॉप से आपने कुछ परचेज किया है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आई डोंट नीड द प्लास्टिक बैग। अगर आपके पास में जूट का बैग है, आपके पास कॉटन का बैग है, तो प्लीज़ मुझे उसमें पैक कर दीजिए। तो ऐसा अगर सभी कस्टमर्स अपने अपने शॉपकीपर को कहेंगे तो प्लास्टिक बैग्स का जो यूज है वो धीरे धीरे कम होगा। और हम ये क्लॉथ बैग वाला जो एक एक्सपेरिमेंट है ये सबको करना चाहिए। मैं खुद जब भी मार्केट जाता हूँ वेजिटेबल या फ्रूट्स बाई करने के लिए तो मैं अपना क्लॉथ बैग लेकर जाता हूँ, और जो हैंडकार्ट वाले जो शॉपकीपर होते हैं, ठेले वाले जो होते हैं, वो बोलते भी हैं कि आप खुद अपना क्लॉथ बैग लेके आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो खुश होते हैं इससे। और वो ये भी कहते हैं कि अगर सभी लोग ऐसा करें तो अभी बहुत सुधार हो सकता है, ये थैलियाँ बहुत कम हो सकती है। तो इस तरह के कुछ अपन एक्सपेरिमेंट या कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस ला करके प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक का कचरा होता है, उसको रिसाइकिल करना ये बेटर रहता है, ये ज़्यादा अच्छा है। अब ये रिसाइकिल क्या होता है, देखिए एक तो हो गई बात रिड्यूसिंग की, रिड्यूसिंग यानी कम करना। एक तो हम प्लास्टिक का यूज ही कम करें, पहली बात तो ये।
लेकिन कई चीजें ऐसी आती है जो बनी हुई प्लास्टिक की आती है, तो वो तो अपने को मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो ऐसी चीजों का क्या किया जाए, तो उसको रिसाइकल करना चाहिए। देखिए, कभी भी प्लास्टिक की चीजों को फेंकना नहीं चाहिए। आपको पता होगा प्लास्टिक खरीदने वाले आते हैं, तो आपको वो प्लास्टिक उनको बेच देना चाहिए। अगर कोई जो आपके घर में कोई चीज टूट गई है प्लास्टिक की, या कोई यूजलेस हो गई है, तो आपको उसको वेस्ट के रूप में थ्रो नहीं करना चाहिए बाहर। उससे वो वेस्ट कलेक्ट होता रहता है इधर उधर। तो आपको क्या करना चाहिए, घर में उसको कलेक्ट करके जो उसके बायर होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं प्लास्टिक वगैरह, उसको बेचना चाहिए। और बेचने से आपको कुछ मिले न मिले, पैसे मान लो थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन वो प्लास्टिक जाकर के वापस पिघलाया जाएगा, मोल्ड किया जाएगा, और उससे कोई नई चीज बनेगी, तो वो रिसाइकल हो जाएगा आगे जाकर के। तो प्लास्टिक को रिसाइकल करना, प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकल करना, ये भी बेटर है, ज्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक, देखिए दो प्रकार के प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा है, एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो होता है नरम वाला, जो सॉफ्ट होता है, जो हीट देने से मोल्ड हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक की बात यहाँ हो रही है, और इसी को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो नरम वाला प्लास्टिक होता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, जो ज्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं कैन बी रिसाइकल्ड, यानी उनको वो रिसाइकल किए जा सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऐसे आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकल हो सकते हैं, जिनको हम मोल्ड कर सकते हैं, वापस रिसाइकल किया जा सकता है, जिनको पिघला करके नई चीजें बनाई जा सकती है। तो वो जितना भी नरम प्लास्टिक आता है, सॉफ्ट जो प्लास्टिक आता है जिसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, वो सारी चीजें कैन बी रिसाइकल्ड, वो रिसाइकल्ड हो सकती है। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग रिसाइकलिंग के दौरान, हालांकि रिसाइकलिंग भी इतना सेफ नहीं है, हाउएवर यानी हालांकि ड्यूरिंग रिसाइकलिंग के दौरान सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, कुछ विशेष कलरिंग एजेंट्स यानी कलर पैदा करने वाले एजेंट्स, यानी कुछ कारक या ऐसे कुछ कलर ही मान लीजिए आप, कलरिंग एजेंट्स का मतलब है जो ऐसी चीजें जो कलर पैदा करती है। तो कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, जब रिसाइकल किया जाता है इस प्लास्टिक को, तो उसमें कुछ सर्टेन यानी कुछ खास कलरिंग एजेंट्स यानी कुछ कलर पैदा करने वाली चीजें एडेड यानी एड की जाती है, उसमें मिलाई जाती है ताकि उसमें कलर पैदा हो जाए। दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दिस लिमिट्स यानी ये लिमिट्स यानी इसको सीमित कर देता है। कौन? ये जो कलरिंग एजेंट्स जब मिलाए जाते हैं, जब इसको रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को, पहली बार जो प्लास्टिक बनता है फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो तो काफी सेफ होता है, उसमें खाने पीने की चीजें भी हम स्टोर करते हैं। लेकिन जब उसको रिसाइकल करके दोबारा बनाया जाता है चीजों को, तो वहां उसमें कुछ कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं, और कलर जब उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका जो यूज है वो लिमिटेड हो जाता है। दिस लिमिट्स यानी ये मिलाने का जो काम है, कलरिंग एजेंट जो मिलाए जाते हैं, दिस यानी ये जो कलरिंग एजेंट्स हैं, ये लिमिट्स यानी ये सीमित कर देते हैं इट्स यूजेज, इसके यूजेज को। फिर हम इस तरह से जो कलर मिला करके प्लास्टिक से जो चीजें बनाई जाती है, उसमें फिर हम खाने पीने की चीजें नहीं रख सकते हैं, वो फिर सेफ नहीं रह जाता है। तो ये लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो काम आता ही है वो वापस बना हुआ। लेकिन यहां लिखा है कि जब रिसाइकल किया जाता है तो कुछ कलरिंग एजेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, दिस यानी ये लिमिट्स यानी सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है इट्स यूजेज, इसके यूज को, स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, विशेष रूप से भोजन के संग्रहण के लिए। हम फिर उसमें फूड को स्टोर नहीं कर सकते इस तरह से, जो रिसाइकल की हुई मान लो कंटेनर्स बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, उसमें हम फूड को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अनहेल्दी हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन,
एक रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सिटीजन यानी नागरिक के रूप में, एज यानी रूप में, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, रिमेम्बर द 5R प्रिंसिपल, याद रखिए 5R का सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, 5R याद रख रहे हैं, 5R का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, देखिए कौन से 5R हैं ये, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। देखो सब में R आ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 times जो R आया है यहां पर, इसीलिए इसको 5R बोला गया है। अब ये एक सिद्धांत है, इन चीजों को अगर अपन रिमेम्बर रखते हैं, याद रखते हैं, तो काफी सुधार हो सकता है। अब क्या है ये चीजें, रिड्यूस, तो प्लास्टिक का जो यूज है वो हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना या कम करना, तो प्लास्टिक का यूज ही हम कम करें, जितना कम हो सकता है उतना कम हम रिड्यूस करें उसका यूज, सबसे पहली बात ये। दूसरा है रीयूज, कोई चीज अपन ने एक बार काम में ले ली तो उसको काम में लेके फेंके नहीं, उसको रीयूज करें, वापस यूज करें, जैसे प्लास्टिक की कई बार पॉलीथीन आ जाती है घर में, अपन को पहली बात तो लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी अपन मान लो भूल गए क्लॉथ बैग लाना, अपन सीधे ही कहीं से आ रहे हैं और अपन ने कोई चीज लेके आ गए अपन मार्केट से और प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग आ गई अपने घर पे, तो क्या करते हैं आमतौर पर लोग, उसको फिर घर पे लाके फेंक देते हैं, चीज निकाली उसमें से फेंक देते हैं, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते हैं। अभी उसी के भी 5-10 रुपए लेना शुरू कर देना मार्केट में तो सब लोग उसको व्यवस्थित रखेंगे, रीयूज भी करेंगे, लेकिन फ्री की चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, तो लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं क्योंकि फिर नहीं मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से उसको उसका एक पैटर्न बना करके उसको फोल्ड करके रख देना चाहिए हमें, उसको जिस तरह से फोल्डेबल है वो, जिस तरह से उसको फोल्ड किया जा सकता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग उसको फोल्ड करके हमें रख लेना चाहिए, और कभी मार्केट जाएं तो दोबारा उसको यूज कर सकते हैं हम, उसमें हम कुछ लेकर आ सकते हैं, या वापस जाकर के उसी को दे सकते हैं जिससे लाए थे, भाई तुम यूज कर लेना। तो रीयूज भी हम करें, एक तो रिड्यूस करें यानी कम उपयोग करें, और फिर भी मान लो थोड़ी बहुत कोई आ जाती है प्लास्टिक तो उसको रीयूज करें, पुनः उपयोग करें। फिर तीसरी चीज है रीसाइकल, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर, प्लास्टिक को मोल्ड करके पिघला करके दूसरी चीजें और बनती है, तो हमेशा प्लास्टिक की चीजों को आप वेस्ट के रूप में थ्रो नहीं करें, उसको जो बायर होते हैं प्लास्टिक के, जो खरीदने वाले होते हैं, उनको आप सेल करें, उनको बेचें आप, तो इस तरह से वो रिसाइकल हो जाएगी, तो रिसाइकल करें। फिर है रिकवर, वापस प्राप्त करें, रिकवर यानी आपने कोई चीज दे दी किसी को प्लास्टिक की और उसको भूल गए, ऐसा नहीं, वापस उसको रिकवर करें, पुनः प्राप्त करें और उसका वापस यूज करें, अपनी चीज को वेस्टेज नहीं जाने दें प्लास्टिक की चीज, तो रिकवर करें। और रिफ्यूज यानी उसको रिफ्यूज यानी मना करें, अगर कोई आपको देता है प्लास्टिक की चीज उसको मना करें, जैसे अभी अपन ने पढ़ा है कि शॉपकीपर नॉर्मली क्या करते हैं, प्लास्टिक में पैक करके दे देते हैं कोई चीज, तो उसको रिफ्यूज करें कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे मोटरसाइकिल में बैग लगा हुआ है, तो मुझे कई बार लोग, अब जैसे कोई चीज हमने खरीदी मार्केट से तो वो और उसको एक पॉलीथीन में डाल के देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए पॉलीथीन, मेरे बैग है, मैं सीधा ही उस चीज को बैग में रख लेता हूँ, तो वो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है मैं नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग उसको रिफ्यूज करें, मना करें उसके लिए। तो ये जो 5R हैं, इनको अगर हम लोग अपने बिहेवियर में अप्लाई करते हैं तो काफी चेंजेज हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स, विकसित करें आदतें विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो कि है एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए दोस्ती भरी, फ्रेंडली यानी दोस्ती भरी,
तो ऐसी हमारी हैबिट्स हम डेवलप करें, ऐसी आदतें विकसित करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरण के लिए दोस्ती भरी हो, अच्छी हो। देखिए एक यहाँ पर बॉक्स लेसन अपना कंप्लीट हो गया है, देयर इज ए बॉक्स गिवन हियर, एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, लिखा हुआ है फाइबर वाइज। फाइबर वाइज का मतलब है यहाँ पर रेशा विवेक, फाइबर यानी रेशा होता है, वाइज का मतलब यहाँ पर बुद्धि से है, रेशे की बुद्धि या फाइबर के बारे में हमें क्या बुद्धि लगानी चाहिए, हमारी क्या बुद्धि होनी चाहिए, वो यहाँ पर कुछ बातें दी गई है फाइबर वाइज। नंबर वन, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज, नहीं फेंकें प्लास्टिक के बैग्स को जल के स्रोतों में, वाटर बॉडीज में, और या फिर ऑन द रोड, रोड पर या वाटर बॉडीज में कभी भी प्लास्टिक के बैग्स को थ्रो नहीं करें। टेक ए कॉटन कैरी बैग, ले जाएं एक सूती कैरी बैग यानी थैला, कैरी बैग यानी जिसके अंदर अपन चीजों को कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, नॉर्मली हम उसको थैला बोलते हैं। तो टेक ए कॉटन कैरी बैग यानी एक सूती कपड़े का जो कैरी बैग है, जो थैला है, वो ले जाएं, और एक जूट बैग या फिर एक जूट का कोई बैग ले जाएं वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग पर जाते हैं, हम जो शॉपिंग पर जा रहे हो वाइल यानी जब, तो हम या तो कॉटन का कैरी बैग लेकर जाएं या फिर जूट का बैग लेकर हम जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज, ट्राई यानी प्रयत्न करें, टू मिनिमाइज यानी कम से कम करने का, मिनिमम यानी कम से कम होता है, मिनिमाइज यानी कम करने का, ट्राई टू मिनिमाइज यानी कम से कम करने का प्रयत्न करें, ट्राई करें द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक की सामग्री को, इन अदर वर्ड्स, ईजी का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अपन कहें तो यूज ए स्टील लंच बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ईजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यूज ए स्टील लंच बॉक्स, एक स्टील के लंच बॉक्स का यूज करें इंस्टीड ऑफ ए प्लास्टिक वन, इंस्टीड यानी होता है बजाय, प्लास्टिक के एक बॉक्स, लंच बॉक्स की बजाय आप स्टील के लंच बॉक्स का, इंस्टीड यानी बजाय, तो प्लास्टिक वन यानी प्लास्टिक के किसी एक लंच बॉक्स की बजाय आप स्टील के लंच बॉक्स को यूज करें, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से हम जो प्लास्टिक की जो चीजें हैं उनको, उनके यूज को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करें। डियर स्टूडेंट्स, अवर लेसन इज कम्प्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हाट यू हैव लर्नड पॉइंट्स, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड का मतलब है आपने क्या सीखा इस लेसन में। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर सम समरी पॉइंट्स ऑफ द लेसन गिवन हियर, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, एंड प्लास्टिक्स, और जो प्लास्टिक होता है, लाइक नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि प्राकृतिक फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स, जैसे फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होता है, लाइक नेचुरल फाइबर्स, इसी तरह जो नेचुरल फाइबर्स भी जो होते हैं आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स, वो बने होते हैं काफी बड़ी यूनिट्स से, कॉल्ड पॉलीमर्स, जिसको पॉलीमर कहते हैं। तो हमने लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूनिट्स जो होती है, अब यूनिट्स क्या होती है, एक केमिकल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होता है, तो यूनिट क्या होती है, एक केमिकल कोई सब्सटेंस होता है, तो इस तरह की यूनिट्स जब आपस में अटैच होती है तो एक लाइन बन जाती है, चेन बन जाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं, और उस पॉलीमर से फिर फाइबर बनता है। तो सिंथेटिक फाइबर में भी पॉलीमर होता है, प्लास्टिक में भी पॉलीमर होता है, और नेचुरल फाइबर में भी पॉलीमर होता है, पॉलीमर सब में होता है, जो भी फाइबर होते हैं पॉलीमर सब में होता है। तो एक लार्ज यूनिट, अब जैसे छोटी छोटी यूनिट्स ने मिलकर के एक लंबा चेन बना लिया, तो सबसे पहले छोटी यूनिट हो गई, फिर उसके बाद में लंबी जो चेन बनी है वो भी एक यूनिट हो गई, वो कहलाएगी फाइबर। तो इस तरह लार्ज यूनिट से जो ये सब चीजें बनती है,
कॉल्ड पॉलीमर्स, उनको पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट, और पॉलीमर जो है वो बनी होती है बहुत सी छोटी यूनिट से। तो ये हमने देखा है शुरू में लेसन के अंदर कि ये देखिए यहाँ पर ये पॉलीमर, ये पूरी एक लाइन जो है ये पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है। इसमें जो छोटी छोटी यूनिट्स कनेक्टेड होकर के जो ये बड़ी यूनिट बनी है, तो ये छोटी छोटी यूनिट्स भी सबसे छोटी यूनिट होती है, और ये फिर जो एक चेन बन जाती है तो ये एक पॉलीमर कहलाता है, और ये पॉलीमर जो होते हैं वो फाइबर बनाते हैं। तो इस तरह से पॉलीमर का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले बताया गया है। देन सेकंड है, व्हाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेंड, जब प्राकृतिक फाइबर, नेचुरल जो फाइबर होते हैं जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये नेचुरल फाइबर है। व्हाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्राकृतिक जो फाइबर होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेंड, और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। देखिए जमीन में से पेट्रोलियम निकलता है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसमें से एक पेट्रोकेमिकल भी होता है, उसकी प्रोसेसिंग करके केमिकल बनाए जाते हैं और उन केमिकल से फिर सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नेचुरल फाइबर तो या तो प्लांट और या फिर एनिमल से बनते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आर ऑब्टेंड, ये प्राप्त किए जाते हैं बाई केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग से ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल की केमिकल प्रोसेसिंग से ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये ऑब्टेन किए जाते हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स की तरह दीज फाइबर्स कैन आल्सो बी वूवन इनटू फैब्रिक्स, और नेचुरल फाइबर से जैसे फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कपड़े बनाए जा सकते हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं दीज फाइबर्स, ये फाइबर्स कैन आल्सो बी वूवन, इनको भी वूवन किया जा सकता है, बुना जा सकता है इनटू फैब्रिक्स, कपड़ों के रूप में। यानी नेचुरल फाइबर से भी जिस तरह कपड़े बनते हैं वैसे ही केमिकल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर से भी कपड़े बनाए जा सकते हैं, फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेज रेजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स यानी ये कृत्रिम रेशे जो केमिकली बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेज, ये फाइंड यानी मिलते हैं, यूजेज यानी उपयोग, सिंथेटिक फाइबर्स के कई यूज मिलते हैं, कई इसके उपयोग मिलते हैं। रेजिंग यानी शुरू होकर, कहाँ से शुरू होते हुए, फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कई घरेलू चीजों से, बहुत सी घरेलू चीज़ों से शुरू होते हुए, लाइक रॉप्स जैसे कि रस्सा, बकेट्स यानी बाल्टी, फर्नीचर, कंटेनर्स एट्सेट्रा, वहाँ सब से शुरू हो करके टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूजेज इन एयरक्राफ्ट, और वो घरेलू चीज़ों से होते हुए हाईली स्पेशलाइज्ड यूजेज, उच्च स्तरीय विशेषता रखने वाले उपयोग भी इसके होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। वो कहाँ होते हैं, इन एयरक्राफ्ट्स यानी विमानों में, शिप्स यानी जहाजों में, स्पेस क्राफ्ट्स यानी अंतरिक्ष यानों में, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें बनाने में एटसेट्रा आदि। तो इतने सारे जो यूजेज हैं ये सिंथेटिक फाइबर के मिलते हैं, घरेलू चीज़ों से लेकर के और स्पेशल चीज़ों तक। नेक्स्ट पॉइंट इज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल्स का प्रकार, यूज्ड जो कि उपयोग में लिया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर को हमने देखी। सिंथेटिक फाइबर कुछ एक पढ़े हैं और उसमें हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग सिंथेटिक फाइबर अलग अलग केमिकल से बनते हैं। तो किस टाइप का केमिकल यूज किया गया है सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको बनाने में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, इस टाइप के आधार पर
कि उनको बनाने में कौन से केमिकल को यूज किया गया है, इसके आधार पर दे आर कॉल्ड, वे कहलाते हैं रेयोन, नाइलोन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, जो अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, डिफर फ्रॉम वन अनोदर, वो अलग होते हैं एक दूसरे से इन देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, पानी को सोखने की क्षमता में, नेचर ऑफ बर्निंग, जलने की प्रकृति में, कॉस्ट यानी कीमत में, ड्यूरेबिलिटी यानी चलाऊपन में, और एटसेट्रा आदि, यानी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उसके अंदर सब जो फाइबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफर होते हैं। टुडे आज लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बिना लाइफ, टुडे यानी आज, लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बिना जो लाइफ है, कैन नॉट बी इमेजिन्ड, वो इमेजिन नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती उसकी। बी इट होम, घर पर हो और आउटसाइड या बाहर हो, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, हर जगह प्लास्टिक है। द वेस्ट क्रिएटेड बाई प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक के द्वारा वेस्ट क्रिएट होता है, जो कचरा बनता है, इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ऑन बर्निंग, बर्निंग पर यानी जलाने पर, प्लास्टिक रिलीज, प्लास्टिक निकालता है पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसें। ऑन डंपिंग, डंपिंग का मतलब है किसी जगह पर कचरे को डाल देना, डंप करना यानी कचरे को किसी जगह डाल देना। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी धरती के अंदर इनको डंप करने से, प्लास्टिक को, दे में टेक ईयर्स, ये लेते हैं कई वर्ष टू डी जनरेट, अपघटित होने में, खत्म होने में। तो अगर इनको धरती में भी डाल दिया जाए, प्लास्टिक को डंप कर दिया जाए, तो वो कई ईयर्स, कई साल लेते हैं डी जनरेट होने में, खत्म होने में। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। और ऐसा किस लिए होता है, दिस इज बिकॉज यानी ये इसलिए है कि ये कई सालों में खत्म होते हैं, दिस इज बिकॉज ये इसलिए है कि ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, उनका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है प्लास्टिक का, उसके कारण से ये अपघटित नहीं होते हैं कई सालों तक। वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, हमें जरूरत है उपयोग करने की सिंथेटिक फाइबर्स को एंड प्लास्टिक को, इन सच ए मैनर, इस तरह से, दैट वी कैन एन्जॉय, कि हम आनंद ले सकें, दे आर गुड क्वालिटीज, उनकी अच्छी विशेषताओं का, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, जो पर्यावरण का नुकसान है उसको भी मिनिमाइज कर सकें, फॉर द लिविंग कम्युनिटीज, जो रहने वाला समुदाय है, जो मानव समाज है, उसके लिए जो एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, उसको भी हम मिनिमाइज करें, और इसकी जो अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक की जो विशेषताएं हैं, उसको भी हम एन्जॉय कर सकें, इस तरह से हमें प्लास्टिक को यूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज अप ऑफ टूडेज वीडियो, नाउ लेसन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, द पॉइंट्स आर ऑल्सो कम्प्लीटेड, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, और अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। वी विल मीट इन द स्कूल द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद परसों, यानी कि हम स्कूल में मिलेंगे, एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफलाइन, ऑफलाइन में हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम रिटर्न वर्क फॉर टूडे, आज के लिए रिटर्न वर्क आपका ये है, यू हैव टू नोट डाउन द वॉट यू हैव लर्न पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स, आपकी नोटबुक्स में ये वॉट यू हैव लर्न वाले जो पॉइंट्स है, ये आप जरूर लिखें। इनको लिखने से क्या होगा कि आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, रिटर्न प्रैक्टिस, एंड यू विल गेट सम नॉलेज ऑफ दिस लेसन बाय दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से कुछ नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।